बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में है बही, बही जिसका नाम सफ़रजल भी है। और ये फ्रूट का मुरब्बा जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जाता है, रेड कलर में होता है। तो ये 800 रुपये किलो के हिसाब से ये बही इस वक्त बिहारी में अवेलेबल है। तो क्योंकि मैंने पहले इस बही का नाम सुना हुआ, इसको मुरब्बा तो मुतअद्दिद मरतबा खाया हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बही का मुरब्बा एक मर्द की ताकत को 40 मर्दों के बराबर कर देते, एक बही का फल जो है। अभी आज हम आपको इस ये बही का फल काटेंगे और आपको इसके टेस्ट के बारे में बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है और क्या ये मुरब्बे के अलावा भी खाया जा सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हम अभी बही के मुरब्बे को काट रहे हैं और ये सख्त महसूस हो रहा है। अभी अंदर से इसका बीज निकलेगा तो हम आपको इसका बीज भी दिखाएंगे। ये है बही का फल, ये सफ़रजल भी कहते हैं। और ये हमने काट लिया। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अंदर से ये बिल्कुल सेब की तरह महसूस हो रहा है। अभी हम इसके और दो टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि ये सख्त है, ये सख्त फ्रूट है। अभी हम आपका इसका यहाँ से एक टुकड़ा उतारेंगे और टुकड़ा उतार के देंगे हम मरवा बशीर को। जी, ये मरवा ये खाएंगी, मरवा ये खा के बताएंगी कैसा है जी। और अभी नाज़रीन, इसको जो जायका है थोड़ा सा तुर्श है, ये तुर्श तो नहीं कहते, थोड़ा सा फीका है। और ये नाशपाती की नस्ल में से फ्रूट है ये। नाज़रीन, ये नाशपाती की नस्ल में से फ्रूट है और सफ़रजल जो है ये नाशपाती जैसा ही होता है। और अभी आप देखेंगे तो मैं आपको इसको ज़रा बारीक काश करके दिखाऊंगा, टुकड़ा करके। नाज़रीन, जो जैसी नाशपाती होती है ये बिल्कुल सफ़रजल वैसे ही नाशपाती जैसा है, लेकिन ये ताकत का ख़जाना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि अभी इसका मौसम है तो आप इस फ्रूट को लाजमी खाएँ ताकि आपकी जो खोई हुई ताकत है वो बहाल हो जाए। नो डाउट ये महंगा है, इस वक्त बिहारी में इसका रेट 800 रुपये किलो है और नो डाउट कि मुल्तान में इसका रेट कम होगा और लाहौर में शायद इससे भी कम होगा, लेकिन आज के ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बही का फल ज़रूर खाएँ और हमें इसके बारे में ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के आखिर में आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और दही का मुरब्बा ज़रूर खाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।